नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का वर्दी बैच के अंदर। इससे पहले एक क्लास में डाल चुका हूँ नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमने पूरा खत्म किया था। आज औसत की बारी है, पूरा औसत खत्म करेंगे इस क्लास के अंदर। एसएससी जीडी 2023 में जितने भी औसत के सवाल आए हैं वो सारे हम एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। पहले 16 प्राकृतिक संख्या, अगर आप प्राकृतिक संख्या की बात करें तो एक से लेकर n तक का योग होता है n n प्लस 1 बटा 2, ठीक है, n n प्लस 1 बटा 2, ये आ गया, ठीक है। अगर औसत निकालेंगे तो n n प्लस 1 बटा 2 को n से भाग कर देते हैं, यानी n प्लस 1 बटा 2। तो आप सीधा ही ध्यान रखो, 16 प्लस 1 बटा 2 यानी 8.5, 17 का आधा होता है 8.5। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान रखो, जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या, या लिख देता हूं मैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या, उनका औसत होता है n प्लस 1 बटा 2। अगर ऑड नंबर वो बोलता है, ठीक है, ऑड नंबर, तो औसत आता है n। अगर दो ऑड नंबर है तो औसत आ जाएगा 2, तीन ऑड नंबर है तो औसत आ जाएगा 3, ठीक है, लगातार शुरुआत से। और अगर इवन नंबर की बात करें तो आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। चलिए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, तो 10, 17 और 11, 28। 28 बटा 5 आएगा, 5 बारी में जाएगा, 3 शेषफल बचेगा 5 से भाग होने पर। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। पहले 5 प्राइम नंबर, पहली 6 इवन संख्याएं। अभी अभी मैंने बताया था, अगर इवन की बात हो रही है सम संख्याओं की, तो औसत क्या आता है? औसत आता है n प्लस 1, तो n प्लस 1 यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, पहले 10 मल्टीपल 3 के, 3 के 10 मल्टीपल आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, ऐसे करते करते 3 गुणा 10, फिर 3 आप कॉमन ले लेते हो, बचता है क्या? 1, 2, 10 तक, ठीक है। इसका औसत आप क्या निकालते हो? अगर इसका औसत, अगर हमने पढ़ा था अभी, कितना निकाला था ये देखिए, n प्लस 1 बटा 2, तो 10 प्लस 1 11 बटा 2 गुणा 3 यानी 33 बटा 2 यानी 16.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16.5 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो आंसर आएगा आपका, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 से भाग होने वाला। अगर आप ये देखते हैं तो सीधा भी आंसर आ सकता है, देखिए 3 से ये भाग नहीं हो रहा, 3 से ये भी भाग नहीं हो रहा, 3 से ये भी भाग नहीं हो रहा, ये 3 से भाग हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कई जगह काम आती है ये तरकीब। अगला देखिए, पहले 9 प्राइम नंबर, अब देखिए लिखना तो पड़ेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 हो गए ये, ठीक है, तो 10 और ये हो गया 20, 30 और 30, एक सेकेंड, 10
और 20 30 और 30 60 77 और 23 100 100 बटा 9 क्या होता है आपका डी ऑप्शन 11 सही 1/9 होता है। हमने प्रतिशत से रिलेट कर दिया 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9% 100/9 क्या हो जाएगा 11 सही 1/9 हो जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इनके वर्ग का औसत बताना है। आइए देख लेते हैं भाई। पांच का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर ठीक है। कितने से भाग करेंगे 3 3 6 6 से भाग करना है और मुझे आंसर निकालना है। क्या कर सकते हैं 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर ये भी ट्रिपलेट बन जाता है ठीक है। और कुछ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आइए देख लेते हैं फिर। पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई फिर तो 64 और 25 89 हो गया 225 225 450 हो गया ये 256 हो गया बटा 6 ठीक है। ये कितना आ गया आपका 400 600 7 10 18 780 और 15 795 6 से भाग करेंगे 6 13 18 78 बचा 1 6 2 12 5 132.5 आएगा। बी ऑप्शन आंसर आएगा। क्या और कोई छोटा तरीका हो सकता है क्या और कोई छोटा तरीका मुझे नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है और कोई छोटा तरीका यहाँ पर नहीं है। अगला देखते हैं। पी क्यू आर का औसत ए है यानी पी प्लस क्यू प्लस आर बटा 3 बराबर हो गया ए के ठीक है। और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर है 0 के आपको बताना है ये बटा 27 क्या होगा। आइए देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3 हो गया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 PQ QP QR RP ये आ गया और ये दे रखा है आपको 0 के बराबर ये 0 है तो इसका मान बटा 27 बताना है आपको यानी 9A² / 27 1/3 A² ये A2 नहीं होगा ये A² होगा ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा ठीक है। पर क्या पेपर में इतना बड़ा लिखेंगे आप? मैं आपकी जगह होता ना मैं क्या करता मैं आपको ये बताता हूँ भाई। मुझे पता है पी प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है 3A के। मुझे पता है जब होल स्क्वायर करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला बचेगा किसके बराबर 9A² के बस ये लिखूंगा मैं एग्जाम वाला सॉल्यूशन। मैं एग्जाम में ऐसे करता ये एक एक स्टेप लिख के मुझे समझाना नहीं है किसी को ठीक है। अगला देखिए 3 5 10 और x का औसत 5 है 8 12 15 x और y का औसत 9 है x और y क्रमशः हैं। आइए देख लेते हैं ये दिमाग में ही करेंगे। देखिए 4 नंबर है तो 20 आएगा 20 का मतलब है 15 3 18 x की जगह 2 आ गया x की जगह मैं 2 ले लेता हूँ ठीक है। अब यहाँ कितने नंबर हो गए 3 और 1 4 और 1 5 5 का मतलब हो गया 45 45 का मतलब हो गया 20 15 35 2 37 y की जगह आ गया 8
तो 2 और 8 यानी बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे पेपर में होना चाहिए ना, मैंने सीधा सॉल्यूशन आपके सामने वो रखा है, मैंने स्टेप नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा कि भैया ये 5 है यानी 4 नंबर है तो 20 आना चाहिए, 18 ये हो गया तो ये 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो हमने देखा कि ये 5 नंबर है, 45 होना चाहिए तो ये तो 37 आ रहा है, ये 8 आ जाएगा, 2 और 8 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत a है। अभी अभी हमने पढ़ा था n+1/2 यानी 3। b पहली 5 प्राकृतिक संख्या के पूर्ण वर्ग का औसत है। पहली 5 प्राकृतिक पूर्ण वर्ग, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर/5। फॉर्मूला भी लगा सकता था पर फॉर्मूले से जल्दी तो वैसे ही नजर आ रहा है भाई, 25 और 25 50 54 55 यानी 11। तो औसत निकालना है दोनों का, 3+11/2 यानी 7 आंसर हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पर क्योंकि पहली 5 की बात हो रही है तो सीधा ही दिमाग में ही आ जाता है, 3-4 का तो ट्रिपलेट बनता है 5, 5 और 5 यानी 25 25 50 हो गया, 50 और 2 और 1 यानी 55 हो गया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 55/5 यानी 11 हो गया। अगला देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्ग के औसत के बीच अंतर ज्ञात करिए। देखिए घन का तो औसत हमने अभी निकाला है, क्या आया था, 11, ठीक है, घन का नहीं वर्ग का। और घन की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है n+1/2 ये योग होता है, ठीक है। जब आप इसे n से भाग करोगे तो क्या बचेगा, केवल बचेगा n+1/4 ये बचेगा। n से मैंने भाग कर दिया तो औसत आ गया, तो 5 × 5 = 36 × 36 × 36 यानी 9, 45 में से 11 गया तो 34 आ जाएगा, 34 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, मैं अगर अपने आप पेपर में बैठूंगा तो मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखूंगा, मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। अगला देखिए, एक कक्षा शिक्षक ने कक्षा में एक इकाई परीक्षण आयोजित किया, यदि 30 छात्रों में से 14 छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए, 14 बच्चों के आए 80 अंक, बचे हुए 16 के आए कितने, 65 अंक, क्लास का औसत बताना, यानी एक तरीके से एलिगेशन का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, एलिगेशन से आसान पड़ेगा, एलिगेशन का क्वेश्चन तो नहीं है पर एलिगेशन से आसान पड़ सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 7 और 8, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसका योग यानी 15 इसके अंतर के बराबर है, होता है हमेशा, तो हमने देखा कि ये भी 15 यूनिट आ रही है, ये भी 15 यूनिट आ रही है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो एग्जैक्ट लिखी है, यानी इन्हें हम सीधी वैल्यू ले सकते हैं। तो 65 में 7 जोड़ दो 72 आ जाएगा, 72 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो भाई, ये 14 है, ये 16 है, ये 80 है, ये 65 है, यहाँ औसत बताना है, काटा 7 आ गया, 8 आ गया, इसका योग 15, इसका अंतर 15, यानी हम बोल सकते हैं 15 यूनिट की वैल्यू 15 है, 8 की 8 होगी, 7 की 7 होगी, तो यानी यहाँ वाली जो वैल्यू होगी वो इससे 7 अधिक होगी। अगला देखिए, पैंतालीस बच्चों का औसत है कितना, 78, और 50 बच्चों का औसत है कितना, 65। हमें फिर से ये बीच वाला बताना है, पूरी क्लास का मिला के, 5 से काटते हैं 9 आ जाएगा, 5 से काटते हैं
10 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 और ये 10, अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे कि इसका योग इसके अंतर के बराबर होना चाहिए, यानी 19 की वैल्यू होगी कितनी, 13 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं 10 की वैल्यू निकाल लूं तो 130 बटा 19 आ गई, तो इसमें से 130 बटा 19 घटाना पड़ेगा तो आंसर आएगा। या तो मैं ये कर लूं, या मैं ये कर लूं कि 9 यूनिट की वैल्यू निकालूं, 9 की कितनी आ गई, 117 बटे 19, ठीक है। तो ये इसमें जोड़ दूं, 65 प्लस 117 बटे 19, ठीक है। आइए देख लेते हैं फिर क्या आएगा। उन्नीस वाला आंसर आएगा, पहली बात तो दो ऑप्शन में काट देता हूं, ठीक है। और मैं एक चीज क्या देख पा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना, जो मैं देख पा रहा हूं 1300 के करीब मेरा आंसर आने वाला है, इसको मैं इससे गुणा करूंगा 1280 कुछ ऐसे ही आएगा, और इसके अंदर 100 जोड़ूंगा तो 1300 के करीब आएगा ऊपर, तो 1300 के करीब है सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इन दोनों में से है, 13 तो नहीं आएगा नीचे, 19 वाला आएगा। फिर मैंने ये देखा कि अगर ये 65 अगर ये 20 होता तो 1300, तो 1300 के करीब ही आने वाला है ऊपर। अगला देखिए, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं, यानी 9 अगर पुरुष हो गए तो एक महिला। पुरुष की औसत ऊंचाई है 170, महिलाओं की है 165, आपको बतानी है सबकी मिला के कितनी होगी। फिर से वही चीज, इसका योग इसका अंतर, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की वैल्यू हो गई 5, सीधा देखिए 10 की वैल्यू 5 हो गई यानी आधी, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 4.5, इसमें से 4.5 कम कर दो तो क्या आएगा आंसर, 4.5 कम नहीं, 4.5 जोड़ दो तो क्या आएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, पर ये निर्भर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन क्या है। मैंने देखिए सिर्फ देखा है 10 का 5 यानी आधा, 9 का आधा 4.5 जोड़ दो आंसर आ गया। अगला देखिए, यदि राम 15 शर्ट 520 रुपए प्रत्येक की खरीदता है, 600 रुपए प्रत्येक की 20 पैंट खरीदता है, और 520 रुपए वाली 15, 600 रुपए वाली 20, और 650 रुपए वाली कितनी 15, ठीक है। तो आपको बताना है प्रत्येक वैल्यू का औसत, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसे सिंपल कर दूं और 5 से काट देता हूं, 3, 4 और 3, अब थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, देखिए गुणा कर लो 1560, 2400 और 1950 बटा 10, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 5 और 6 11 10 हो गया, 5 4 9 9 18 और 1 19, 2 3 4 और 1 5, 591 आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चनों में ना डीएस भी लगा सकते हो, देखो कैसे मैं बताता हूं, 0 0 आ गया, 6 4 10 6 और 5 11, लास्ट में एक आएगा, लास्ट में एक तो इन दोनों ऑप्शन में, इन दोनों में से आंसर है। अब मैं डीएस देखता हूं, देखिए 6 यहां पर आ गया 12 यानी 3, 6 9 0 हो गया, बचा 6, किसके अंकों का योग 6 है, इसके अंकों का योग 6 है, ये आंसर हो जाएगा। वाले दो ऑप्शन में पहले ही काट चुका हूं, ठीक है, कैलकुलेशन आप पे निर्भर करती है। अगला देखिए,
दो टेबल की कीमत पांच चेयर के बराबर है। टेबल बटा चेयर आ गया कितना, 5/2। चेयर की कीमत अगर 500 रुपये है, दो की वैल्यू अगर 500 है तो 5 की कितनी आ गई, 1250 रुपये, ठीक है, ये आ गए। तो आपको बताना है क्या 6 टेबल और 9 चेयर, 6 टेबल कितने की हो गई, 1250 × 6 + 9 चेयर, 500 × 9 / क्या, 9 × 6 = 15, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर पूरा सॉल्व करने से अच्छा मैं इसे काटने की कोशिश करता हूं। 15 है 4500, यानी 300 बारी में घटेगा, 3 इसमें से कटा, 5 इसमें से काट दो, 250, यानी 500 और 300 = 800, 800 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 800 आंसर आ जाएगा। क्या और कोई चीज हो सकती है, ध्यान से देखिए, एक छोटा तरीका भी संभव है, यहां पर ध्यान से देखिए, एग्जाम वाला सॉल्यूशन क्या संभव है, ध्यान से देखना बहुत। भाई 2 टेबल बराबर है 5 चेयर के, तो 6 टेबल बराबर होंगी किसके, 5 × 3 = 15, 15 चेयर और 9 चेयर, यानी 24 चेयर, यानी कीमत किसकी लगेगी, 24 कुर्सियों की, 24 × 500, सीधा सीधा 2 टेबल 5 के बराबर, 6 टेबल 15, 15 × 9 = 24, 24 की कीमत आ गई है। पर भाग किससे करेंगे, कुल वस्तुओं से, 24 वस्तुएं नहीं है हमारे पास, वो तो हमने कीमत निकाली है, वस्तुएं तो 6 और 9 = 15 है, 5 × 3 = 100, 3 से काटा 8, 800 आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन है। 50 बुक खरीदी है 80 रुपए के दाम से, फिर 46 पेन खरीदे हैं 60 रुपए की कीमत से, और फिर 60 पेंसिल खरीदी है 30 रुपए की कीमत से, ठीक है। अब आपको बताना है औसत कीमत क्या होगी, क्या क्वांटिटी काट सकता हूं, मैं काट सकता हूं, अगर कटती है 23 30, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 × 2 = 5 × 2 = 7 78, पैसे कितने हो गए, 25 × 8 = 200, यानी 2000, 23 × 6 = 138, 1380 प्लस 3 × 3 = 9, यानी 900, 3300 × 9 = 4200, 4280 / 78, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं 39 आएगा, 2 से काटते हैं 21 और 44, ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 39 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ, 30 × 6 = 180, 9 × 6 = 54, 6 से तो नहीं जाएगा, 5 बारी में जा रहा है, ठीक है, तो यानी 5 बारी में तो एक ही नंबर नजर आ रहा है ये वाला मेरे को, इसे मैं आंसर मार्क कर दूंगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 5 बारी में जाने वाला एक ही ऑप्शन था जो था हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 45 बक्से हैं जिनका औसत वजन 52 ग्राम है, कुछ नीले बाकी हरे, 5 नीले बक्सों का औसत
45 बक्से हैं जिनका औसत क्या है? औसत है 52। ठीक है, कुछ डब्बे नीले हैं जबकि अन्य हरे हैं। यदि 40 ग्राम औसत वजन वाले 5 नीले बक्से और 43 ग्राम औसत वजन वाले 8 हरे बक्से जोड़ दिए जाते हैं तो तब औसत वजन क्या है? ध्यान से देखते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखना। 5 ब्लू डब्बे 40 ग्राम वाले, ठीक है, 8 हरे 43 वाले जोड़ दिए गए, तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ छोटा कैसे कराया जाए इसे। आइए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना। चालीस वाले 5 यानी 200 ग्राम, ठीक है, और 43 वाले 8 320 और 24 344 यानी 544 ग्राम, ठीक है, और हैं कितने ये टोटल 8 और 5 13। छोटा कैसे किया जाए? 52 माइनस 8 और 5 13 का मतलब हो गया कि बड़ा पड़ेगा, कहीं से भी पकड़ रहा हूँ बड़ा ही पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। बावन माइनस, देखिए कहाँ से पकड़ते हैं, 40 और 52 में अंतर है 12 का, 12 गुणा 5, ठीक है, 43 और 52 में हो गया 9 का, 9 गुणा 8 बटे कितने हो गए 45, 5 50 और 8 58, तो 52 माइनस 60 और 72 132 बटे 58, ठीक है, यानी जो कमी आ रही है वो इतने की कमी आ रही है और वो कितनों में बटेगी 58 में बट जाएगी, तो दो बारी में लगभग कम हो गया, तो 49 कुछ मेरा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ठीक है, मेरा जो आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि 52 से 12 कम है और 5 चीजें हैं, 52 से 43 9 कम है और 8 चीजें हैं, तो नेट कमी आ गई कितने की, इतने की, कितने लोग हैं टोटल 45 ये 8 53 5 58, तो नेट कमी लगभग 2 पॉइंट कुछ की कमी होगी, तो 49 कुछ मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक सेब एक संतरा और एक आम की औसत कीमत 36 रुपए है, एप्पल ऑरेंज और मैंगो औसत है 36, एप्पल और ऑरेंज की औसत है कितनी 28, ऑरेंज और मैंगो की कितनी है 32, आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है ऑरेंज की कीमत, ऑरेंज की अगर कीमत बतानी है, आइए देख लेते हैं क्या आएगा, इसको 3 से गुणा करते हैं 108 टोटल, इसको 2 से करेंगे 56, इसको 2 से करेंगे 64, अब यानी ये टोटल कीमत आ गई इनकी, अब इन दोनों को ऐड करके ये घटाएंगे तो ए ओ एम गया, ए ओ एम गया, बचा केवल ऑरेंज, तो ये आ गया 70, 120 में से 108 गया तो बचा 12,
12 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, लड़के अगर दुगने हैं, लड़कियां सिंगल हैं, ठीक है, औसत अंक जो लड़कियों का है वो लड़कों से डबल है, अगर इनको एक्स मिलता है तो इन्हें 2x मिलता है औसत, ठीक है, और पूरी क्लास का औसत अगर 56 है तो आपको बताना है लड़कों का औसत अंक, यानी x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, ये आपके सामने। अब योग अंतर वाला तो हम नहीं करेंगे यहां पर, फिर क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं, 2x और 2x यानी 4x, ये बराबर होता है किसके, इसको जोड़ के इससे गुणा कर देते हैं, 56 गुणा 3 के, तो 4 से काटेंगे 14, 14 तीय 42, 42 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, 42 आंसर हो गया। हमने देखा कि ये एक्स था, ये दुगने थे, ये सिंगल था, इसका औसत दुगना था, जब हम वो नहीं लगाते योग और अंतर वाला तो हम कई जगह यही लगाते हैं कि इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, जो भी आया वो बराबर है किसके, इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा करके। अगला देखिए, पांच बैग 900 रुपए के हिसाब से, सात 1000 के हिसाब से, आठ 1200 के हिसाब से, एक किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी यदि प्रत्येक में 50 किलोग्राम चावल है। प्रत्येक में 50 किलोग्राम चावल है, तो 50 के हिसाब से अगर हम डायरेक्ट ही ले लें तो भी आसान है, देखिए 50 के हिसाब से अगर मैं ले लेता हूँ तो 18 रुपए किलो हो गया, ये 20 रुपए किलो हो गया और ये 24 रुपए किलो हो गया, ठीक है, आइए देख लेते हैं, अब ध्यान से देखना, 8 7 15 5 20 ये आ गया 90 और 140, 230, 230 में अगर इसे जोड़ देंगे 192 में, 230 और 92 में 322, 422, 2 से काट लो 21, 1 21.1, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 21.1 हमारा आंसर हो गया। देखिए पहले मैंने क्या करा, 50 किलोग्राम का है तो एक एक किलोग्राम की कीमत निकाल ली, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, यहाँ बैग ले लिए जैसे हमेशा लेते हैं छोटा करने के लिए, टोटल 20 लिखा और गुणा दिमाग में करे और लिख दिया। अगला देखिए, एक कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपए है सबका मिला के, हायर ऑफिसर हैं 12 जिनकी सैलरी का औसत है 12000 और शेष वर्कर का है 2500, हायर ऑफिसर हैं ये और ये वर्कर हैं, ये 12 हैं, 12 में नीचे लिखता हूं, पहले मैं इनका अंतर निकालता हूं, अंतर आ गया 500, ये आ गया 9000, यानी ये आ गया 1:18, एक की वैल्यू दे रखी है 12, 18 की वैल्यू आ जाएगी 216, 216 यानी बी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, तो 216 प्लस 12, तो अभी जल्दबाजी में गलत हो जाता मेरा, 228 मेरा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 228 हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
चलिए देखिए ध्यान से। एक पार्क में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते थे और सप्ताह अंत में औसतन 60 बच्चे खेलते थे। सप्ताह में 3, सप्ताह के अंत में 60। पर डे कितने बच्चे खेलते हैं पार्क में यदि जून का महीना है और सैटरडे से शुरू होता है? तो 1, 8, 15, 22, 29, ये सब शनिवार है, ठीक है? ये सब क्या है? शनिवार है। इनके अगले दिन क्या होगा? इतवार होगा। 30 तारीख तक जून का महीना होगा, ठीक है? तो 3, 2, 5 और 5, 9, 10, तो 10 तो वीकेंड हो गए आपके, और बचे 20, ये वो दिन हो गए जो वीक वाले दिन हुए, ठीक है? क्योंकि शनिवार था 1 तारीख को, तो शनिवार पड़ेगा 29 को, 30 का संडे, तो यानी 5 जोड़े मिल गए, यानी 10 दिन मिल गए हमें। तो अगर इसका अनुपात मैं निकालता हूँ, 2:1 आ गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बताना है, तो हमने पढ़ा था इसका योग यानी 3, इसका अंतर हो गया 30, यानी 1 की वैल्यू 10 आ गई, 10 इसमें जोड़ दो, 40, 40 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है? 40 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके ऐसे जिसके अंदर कुछ जोड़ा जाता है या कुछ घटाया जाता है, ऐसा करने से ये हो गया, वैसा करने से वो हो गया, ठीक है? ध्यान से देखना इन तरीके के क्वेश्चनों को। हमें केवल ये देखना है कि नया बंदा क्या बदलाव ला रहा है, चाहे जुड़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने ये, 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 बनाने के लिए उसमें 12वीं संख्या कौन सी जोड़ी जाए, ठीक है? ध्यान से देखिए, देखिए जो 12वीं संख्या होगी उसके पास 8.5 तो अपना होना जरूरी है, क्योंकि अब औसत हो गई 8.5, अपना तो उसके पास 8.5 हो गई होगा, पर जो पुराने बंदे हैं उनकी कमी भी वो दूर कर रहा है। कितने बंदे हैं पुराने? 11, और 11 में कमी किसकी है 8.5 होने के लिए? 1 की। तो यानी 1 × 11 और होना चाहिए उसके पास, यानी उसके पास होना चाहिए आपका 19.5। तो 19.5 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी जो नया बंदा जुड़ रहा है, जो औसत 8.5 कर रहा है, तो उसके पास 8.5 तो अपना होना चाहिए, पर पिछले बंदों के भी तो 8.5 करने पड़ेंगे सबके, अगर औसत 8.5 करनी है तो 1, 1, 1, 1 सबका बढ़ाना पड़ेगा 7.5 से 8.5 करने के लिए, और ऐसे बंदे हैं 11। अगला देखिए, 8 लोगों का औसत 40 किलोग्राम है, एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत 38 हो जाता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है जो व्यक्ति गया उसका औसत वजन कितना होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है? देखिए एक तरीका तो यही हो गया कि भैया 40 आदमी थे, 8 था, 320 हो गया पहले टोटल, अब एक आदमी चला गया, औसत हो गया 38, आदमी हो गए 7, तो 266 आ गया, तो अंतर आया कितने का? 54 रुपए का, ठीक है? एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है कि भैया जो आदमी गया है वो 40 तो अपना लेकर ही जाएगा जो औसत था, अब सबके औसत में 2-2 किलोग्राम कम हो गया, यानी जो भी बंदे बचे उन सबका 2-2 किलोग्राम भी वो ले गया, यानी 7 बंदे बचे, 7 बंदों का 2-2 किलोग्राम, यानी 54 किलोग्राम उसका वजन होगा, तब जाके ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए
अगला देखिए, 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात करिए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए 58 किलोग्राम वाला चला गया तो जो गया है उसके जितना वजन तो उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, 7 के साथ जो 10 के 10 का 2.8 किलोग्राम है ये भी उसके पास होना चाहिए। तो 2.8 गुणा 10 करेंगे 28 आ जाएगा, 86 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये एवरेज के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही दिमाग से चलते हैं आपके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उनके साथ जुड़ गए, सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात करिए। आइए देख लेते हैं। देखिए 30 आदमियों की जो औसत है वो 25 साल है, अब 5 नए लोग जुड़े हैं जिनकी औसत उम्र 30 साल है, यानी 5-5 साल ज्यादा हो गई। ठीक है, हर एक की उम्र 5 साल ज्यादा है 25 से, तो 5 गुणा 5 यानी 25 साल की टोटल ज्यादा जुड़ेगा अब, और कितने लोगों में बटेगा, 30 लोग यहां पर हैं और 5 यहां पर हैं, 35 लोगों में। तो ये तो टोटल में बढ़ोतरी हो गई, तो औसत में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 25 तो रहेगा ही जो औसत पहले था, अब इतनी बढ़ोतरी और हो जाएगी, यानी 5×5=25 और 5×7=35, तो 25 सही 5/7 साल मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए हमें यही देखना है हमेशा कि जो लोग जुड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उनसे टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर टोटल्स पे अगर फर्क निकाल लिया तो हमें देखना है कि औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले यही देखा कि भाई 30 वर्ष वाले 5 नए लोग जुड़ गए तो हर एक में 5 साल ज्यादा है, तो 5 लोगों में कुल कितना ज्यादा होगा, 25 वर्ष ज्यादा होगा। अब ये 25 वर्ष जो ज्यादा है ये 35 लोगों में बांट दो 30 और 5 35 में, तो पहले वाली औसत से इतना ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए, महेश के 5 विषयों में जो नंबर थे वो थे 62-71 नंबर आते हैं छठे सब्जेक्ट में, तो आपको बताना है कि औसत कितना होगा। ध्यान से देखिए, 62 तो उसके पास थे ही औसत नंबर, यानी 62-62 सब में थे एक तरीके से ये मान लेते हैं। 71 का मतलब क्या हो गया, 71 का मतलब है कि ये 9 ज्यादा है, तो यानी जब ये विषय शामिल किया जाएगा तो टोटल में 9 बढ़ेगा और औसत में कितना बढ़ेगा, लोग कितने वो सब्जेक्ट कितने हो गए, 5 ही और छठा ही है, 6 हो गए, तो हम बोलते हैं डेढ़ बढ़ गया, तो 62 में आधा बढ़ जाए, डेढ़ बढ़ जाएगा, 63.5 मेरा आंसर हो जाएगा। हमेशा यही कंसेप्ट रखना है और इसी पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी 2023 के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, हमेशा ये देखना है जो भी चीज हो रही है उससे टोटल पे कितना फर्क पड़ेगा, उससे औसत पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, और प्लस का साइन लगाएंगे अगर आपको लगता है औसत बढ़ेगा, माइनस का साइन लगाएंगे अगर आपको लगता है औसत कम होगा, क्योंकि 71 नंबर आए हैं तो औसत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है और इससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। ठीक है, 5 रन बढ़ जाता है तो उसका औसत बताना है आपको 13वीं पारी के बाद क्या होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो
5 × 12 कितना हो गया? 60। 60 में घटा दूंगा 85 में से, तो 25 आ जाएगा, 25 औसत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार और भाई, 85 रन वो मारता है, 5 बढ़ जाती है औसत। ठीक है, 5 बढ़ जाती है। अगर आप देखो 5 × 5 = 12 के 12 पारियों के, तो कितने हो गए? 60। अब कितने बचे? 25। तो यानी 25 उसका औसत आ जाएगा 13वीं पारी के बाद। अगला देखिए पैंतालीस बच्चों का औसत ये था, यदि टीचर को भी शामिल कर लिया गया तो वजन इतना बढ़ जाएगा। तो टीचर का वजन बताना है आपको कितना हो गया। देखो टीचर के पास अपना वजन तो हो गई कितना, क्योंकि औसत हो गया है 55 किलो 300 ग्राम, तो टीचर अपना वजन तो लाएगा ही। ठीक है, जो अब वाला औसत है, बढ़कर बोल रहा है ना, इतना बढ़ गया है, यानी इसके अंदर ये बढ़ गया है, तो टीचर के पास इतना तो हो गई। साथ के साथ टीचर पे हर बच्चे का 300 ग्राम भी होगा। कितने बच्चे हैं? 45 बच्चों का 300 ग्राम, 45 तो हो गया 135, 13 × 500 यानी 13 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी ये आ जाएगा आपका 800 ग्राम और ये आ जाएगा आपका 68 किलोग्राम। तो 68 किलोग्राम 800 ग्राम कहां पर है? 68.8 kg, यहां आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया। देखो भाई जो अध्यापक जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद औसत कितना हो रहा है? 55.3 ले लेते हैं ये रहा। तो यानी जो अध्यापक है उसके पास 55.3 तो हो गई होगा, साथ के साथ 0.3 और होगा सभी का। ठीक है, 55.3 तो हो गई होगा, साथ के साथ 0.3 जो पहले वालों पे नहीं था वो और होगा सबका। 45 × 0.3 करोगे 13.5 आ जाएगा, जोड़ दोगे 68.8 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्राम में नहीं करना तो। ठीक है, अगला देखिए, 4 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों का औसत 16 था। ठीक है, आज कितना होगा? आज 20 होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, और आपको बताना है 5 का औसत कितना होगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से भाई, 4 साल पहले इनका औसत कितना था? 16। आज कितना होगा? 20। ठीक है, आज कितना होगा? 20। पर आप ये देखो कि भैया जो 20 है ये 4 लोगों का होना चाहिए, 80 यानी टोटल 80 होना चाहिए, पर ये 80 आज 4 लोगों का नहीं है, 5 लोगों का है, क्योंकि नया बच्चा भी पैदा हुआ है। तो 5 लोगों का औसत कितना हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा, 16 साल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। एक चीज और देख सकते हैं हम, 4 वर्ष से पहले और 4 सदस्यों का, हर एक में 4 4 4 4 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 16। औसत भी कितना है? 16। अब नया बच्चा आया, अगर वो 0 का है तो टोटल 16 ही रहेगा, तो सीधा भी आंसर आ जाएगा। देखिए 4 साल में 4 यहां से बढ़ना चाहिए था, 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 यहां औसत 16 था। ठीक है, अब यहां भी औसत 16 रहेगा अगर यहां 5 लोग हो गए, क्योंकि ये वाला 0 वाला आ गया, ये जो 16 की बढ़ोतरी थी ना ये इसमें कन्वर्ट हो गई, तो 16 ही रहेगा। दिमाग लगा के सोचना, नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। उनतीस अवलोकनों का औसत 40 है, यदि पहले 15 का 38 है, अंतिम 15 का 45 है, तो 15वां बताना है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये इससे कितना कम है? 2 कम है, तो 2 × 15। ये इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 × 15।
75 में से 30 गया तो 45 बचा, 45 पॉजिटिव, यानी जो 15वीं ऑब्जर्वेशन होगी वो 40 प्लस 45 हो जाएगी आपकी, यानी 85 आ जाएगा। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो एवरेज पे आए हैं आपके एग्जाम में। मैं टोटल करके भी कर सकता हूँ कि भैया 29 को 40 से करूँ, 15 को 38 से करूँ, फिर 15 को 45 से करूँ, फिर इन्हें घटा दूँ, ऐसे भी हो सकता है। ये आ गए सारे 29 के 29, ठीक है, 15 गुणा 38 प्लस 15 गुणा 45, इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूं तो 15वां आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें आ रहा है 15वां दो बार, ये 1 से लेके 29 है, 15वां दो बार है, ये 1 से लेके 29 है, 15 एक बार है, इनको घटा दोगे तो 15वां आ जाएगा, 15वीं वैल्यू आ जाएगी। तो 15 इंटू कितना हो गया, 15 इंटू 73 हो गया, 15 इंटू 73 कितना हो गया, 101050, 1095 माइनस और कितना हो गया ये 1160, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, 15 इंटू 38, 15 इंटू 45, तो 15 इंटू 45 8 53 83 आएगा ना, 1245 माइनस 1160 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको, ध्यान रखिए। यहाँ देखिए 2 की कमी है 15 लोगों के साथ, यहाँ देखिए 5 ज्यादा है 15 के साथ, नेट कैलकुलेट करो कितना आया, नेट प्लस पॉजिटिव 45 आया, इसमें जोड़ दो आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक ज्योग्राफी के एग्जाम में 25 बच्चों का औसत 64 है, 3 बच्चों का मार्क्स गलत पढ़ लिया गया 44, 46, 61 के रूप में पढ़े गए थे, वास्तविक अंक है ये वाले। अब इसमें और इसमें अंतर देख लेते हैं कितने का आ रहा है। ये देखिए 6 कम हो गया, ये देखिए 18 कम, ये देखिए 10 कम, तो 10, 18, 28, 6, 34, यानी 64 के अलावा औसत ज्यादा होगा क्योंकि पढ़े गए हैं कम, नंबर आए हैं ज्यादा, ठीक है। तो हमने देखा 10, 18, 28 और 6, 34, 34 ज्यादा है, तो टोटल में 34 ज्यादा है, औसत में कितना ज्यादा होगा, कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, ध्यान से देखिए 25 लोग हैं, 25 लोग, मैं लोग बोल लेता हूँ ऑब्जर्वेशन को भी लोगों को भी, क्वांटिटी 25 है, ठीक है। तो हम देखेंगे 25 एकम 25, यानी 64 प्लस 1 वो बचेगा 9, तो ये आ गया 65, और 9/25 क्या होता है 36%, यानी 0.36, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने बार बार आपसे बोला एक ही चीज देखनी है कि जो भी चीज हो रही है उससे औसत बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ बढ़ेगा इसलिए प्लस कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में नंबर ज्यादा है कम पढ़ लिए गए हैं, ठीक है। फिर हमने देखा टोटल पे कितना फर्क पड़ेगा, टोटल पे फर्क पड़ रहा है 34 का, यानी 34 नंबर और बढ़ेंगे। अब 34 को मैंने 25 लोगों में बांट दिया तो हमने देखा औसत कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा और औसत इतना हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, यदि 40 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति शामिल होता है तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि इस व्यक्ति का वजन 28 किलोग्राम होता तो समूह का वजन औसतन 1 किलोग्राम कम हो जाता, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर औसत वजन मान लेते हैं ए था, पहले केस में देखिए 40 किलोग्राम वाला आ रहा है तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ा रहा है, यानी 40 इससे ज्यादा है, और 28 वाला इसमें शामिल होता है अगर तो 28 इससे कम है,
क्योंकि 28 वाला शामिल होने से औसत कम हो रही है, 40 वाला शामिल होने से औसत बढ़ रही है, इसलिए हम बोलेंगे ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक चीज वो बोलता है कि यहाँ वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है और यहाँ 1 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी जो बढ़ना और घटना है वो तो समान ही है। अब देखिए किस चीज की वजह से, पहला कंडीशन देखिए, ये जो अंतर है 40 माइनस 1, इस अंतर की वजह से 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, ये अंतर है। ठीक है, और लोग कितने हैं, n+1, क्योंकि एक शामिल हो गया है, और चेंज कितने का आ रहा है, 1 का औसत पे। देखो भाई, इस अंतर की वजह से 1 औसत बढ़ रहा है, इस अंतर की वजह से ये डिफरेंस हो गया, ये नंबर हो गया, ये एवरेज में अंतर हो गया, नंबर को एवरेज से गुणा करोगे ये आ जाएगा। ऐसी दूसरा देखिए, अब दूसरे में मैं क्या लिखूंगा, a-28। भाई इस अंतर की वजह से 1 किलोग्राम कम हो रहा है, तो ये अंतर भी n+1 लोगों का है, क्योंकि ये आएगा गुणा 1, अंतर यहां पर भी 1 का पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर भी 1 किलोग्राम कम हो रहा है, तो मैंने देखा जो कम हो रहा है, देखिए आप ध्यान से बात समझिए, एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वो इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह, एवरेज में बदलाव हर जगह यही कर रहे हैं हम, टोटल में बदलाव, टोटल में चेंज बटा संख्या यानी नंबर। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल में चेंज आया कितना, इतना, यहां से यहां की बात करें, और एवरेज में बदलाव कितना आया, इतना, संख्या कितनी है, n+1। ये चीज आप दूसरे केस में देखते हो, टोटल में चेंज कितना आएगा, ये आएगा a-28, क्योंकि a बड़ा है, औसत कम हो रही है, तो आपने देखा टोटल में चेंज क्या होगा, एवरेज में बदलाव यानी 1 का, और संख्या आ गई है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मुझे ये दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना इसकी वजह से बदलाव आया उतना इसकी वजह से बदलाव आया, तो मैं बोलूंगा 40-a = a-28। तो 2a का मान आ जाएगा कितना, 68, और a का मान आ जाएगा कितना, 34। 34 किलोग्राम मेरा औसत हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, हमें यही निकालना था इसके अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले से करके जाइए, पेपर में तो आप सीधा ही कर सकते हैं, अब आपको पता लग गया है यहाँ 1 का अंतर आया है, यहाँ भी 1 का अंतर आया, अगर समान आया है तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर के लिए ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन करके जाना जरूरी है। ठीक है, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए। ठीक है, 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि क्या है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है। ठीक है, ये 10वां बंदा है, वो बोलता है इसने औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा राशि है वो बराबर लोगों में बांट दो। ये कितने लोग हैं, ये 9 लोग हैं, 9 रुपए को 9 लोगों में बांटोगे तो 1-1 रुपया बढ़ जाएगा, और इसी को औसत मान लो फिर, तो 16 मेरा औसत हो जाएगा। ठीक है, 16 मेरा औसत हो गया, और 10 लोग हैं तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, 160 रुपए खर्च हो जाएंगे, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की यही तकनीक है कि 10वां व्यक्ति जो भी है वो औसत से, सबके औसत से 9 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, सबके औसत से, तो जो भी एक्स्ट्रा राशि आए औसत से उसको बराबर बांट दो शेष लोगों में।
अब जो राशि प्रत्येक के पास आएगी उसे औसत मान लो, और 10 लोग हैं तो 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 160 मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, किसी विशेष वर्ष में पहले 4 महीनों के दौरान विपिन का औसत मासिक व्यय 6250 था, अगले 4 महीने के लिए ये था और शेष महीनों के लिए कुछ था। यदि टोटल सेविंग साल में इतनी थी और पर मंथ सैलरी इतनी थी तो एक्स का मान बताना। अरे भाई ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 9600 × 12 तो कितना आ गया, 0 0 12 6 72 12 9 108 और 7 115 115200। ठीक है, ये क्या आ गई, टोटल सैलरी आ गई। अब इसमें से आप अगर इसे घटाते हैं तो कितना आ गया, 15000 घटाया तो 101200 आ गया। ये आ गया क्या आपका खर्चा टोटल मिलाकर। उसने बोला पहले 4 महीने के लिए ये है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24 और 1 25000। अगले 4 महीने के लिए कितना है, 26000। फिर बाकी अगले 4 महीने के लिए 4 × x। ठीक है, ये आ गया 26 और 25 हो गया 51 51000। 10000 1200 − 51000 तो ये आ गया 0 0 2 49 49200। और 49200 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो 3 से भाग होने वाला होगा, 3 से भाग होने वाले तो बहुत सारे हैं, ये तो नहीं आएगा। 4 12 48 3 12300 सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पर। दोबारा से देखिए, पहले तो आपने यहाँ पर क्या करा, सैलरी निकाल ली पूरी, सैलरी में से बचत घटाई तो आपका खर्चा आ गया। ठीक है, अब आपने देखा ये खर्चा है, पहले 4 महीने का आपने गुणा करके निकाला, अगले 6 महीने का 4 महीने का, बचे हुए 4 महीने का 4 × x हो गया। ठीक है, तो आपको 4 × x निकालने से x निकालना है आपको, क्योंकि x क्या है, औसत है, ये सब औसत दे रखी है। ठीक है, अगला देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में इस तरीके के क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अरुण ने देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, आपको ध्यान होगा फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते थे, पहले यूनिट टेस्ट होता था, दूसरा यूनिट टेस्ट, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहले तो वो उस टाइम 100-100 नंबर के पेपर हो जाते थे, और फिर बाद में किसी के 20 में से लगते थे, किसी के 30 में से लगते थे, ठीक वही तरीके का ऐसा ही ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अरुण ने एक टीचर के लिए अप्लाई किया किसी स्कूल में टेस्ट के लिए, जिसके अंदर उसने 9 नंबर पाए बोलने के लिए, ठीक है, और 8 नंबर पाए सुनने के लिए, 6 नंबर पाए लिखने के लिए, 7 नंबर पाए इंटरव्यू में। अब फाइनल स्कोर जो कैलकुलेट हो रहा है ना, वो 10 में से नहीं हो रहा, ये तो सब 10 में से है एक तरीके से, यहां तक 10 में से है। वो बोल रहा है कि जो पहला स्कोर होगा बोलने वाला, वो 4 में से कैलकुलेट करना है, दूसरे वाला 3 में से, उससे अगला भी 3 में से, उससे अगला 4 में से, तो आपको बताना है वेटेड एवरेज स्कोर क्या होगा इसका। ध्यान से देखिए, देखिए 10 में से अगर उसके 9 आ रहे हैं, यानी 90% आ रहे हैं, तो 4 में से कितने आएंगे, 90% हो गया 3.6,
दस में से अगर आठ आ रहे हैं 80%, तीन में से 80% हो गया कितना, 2.4। फिर 10 में से 6 आ रहे हैं यानी 60%, 3 में से 1.8, ठीक है। और 4 में से कितने आएंगे, 10 में से 7, तो 4 में से 2.8, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यही बोल रहा है। तो अब ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ गया, 6, 4, 10, 8, 18, 8, 26, 2, 3, 5, 2, 7 और 1, 8, 2, 10, ये क्या हो गया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। दोबारा से समझते हैं। अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए टेट में उन्होंने बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6 और साक्षरता में 7 अंक प्राप्त किए। ठीक है जी, ठीक है। अंतिम स्कोर की गणना करने के लिए इतना इतना भार सौंपा गया, ठीक है, कि 4 में से कितने आएंगे, 3 में से कितने आएंगे, फिर 3 में से कितने आएंगे और फिर 4 में से कितने आएंगे। तो आपको बताना है कितना उसे औसतन मिलेगा, है ना। अच्छा रुक जाइए, 10 में से 9 आए, 10 में से 8 आए, ठीक है, 10 में से 6 आए, 10 में से 7 आए, ठीक है। वेट्स ऑफ 4, 3, 3, 3.6 और 4.2, 7.8, 2.8, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है इसके अंदर, देख लेता हूँ एक बार मैं। ये क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, मैं एक बार देख रहा हूँ गूगल पे कोई डाटा तो गड़बड़ नहीं है। एवरेज वेज जो है, एज हस्बैंड और वाइफ की 24 साल है, उनके बेटे की जो उम्र है वो 1/9 है हस्बैंड की एज से, और वाइफ की जो एज है 6 साल कम है। देखिए अब ध्यान से, हस्बैंड और वाइफ की एज टोटल कितनी हो गई, 48 साल, हस्बैंड और वाइफ का अंतर हो गया कितना, 6 साल। अगर आप हस्बैंड की एज निकालोगे, जोड़ के 2 से भाग करोगे, 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा। और सन की उम्र कितनी आ जाएगी, 1/9 यानी 3 साल, और वाइफ की कितनी थी हमारी, वाइफ की एज थी 6 साल कम यानी 21 साल। अब आपको इनका औसत निकालना है, ठीक है, औसत निकाल लो, 51/3 यानी 17 साल मेरा आंसर आ जाएगा, 51/3, तो 17 साल हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है, एक कॉलेज में बच्चों का औसतन 20 साल है एज,
27 नए बच्चे शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 22 साल है, ठीक है, और 12 जिनकी औसतन 19 साल है वो निकल जाते हैं, जिसके कारण जो औसत है वो 2 साल बढ़ जाता है। तो आपको बताना बच्चों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 27 नए बच्चे जिनका औसत 22 साल है शामिल होते हैं, यानी 20 से 2 ज्यादा, टोटल पे फर्क पड़ेगा 2 × 27 का, ठीक है। और 12 बच्चे जिनका एज 19 साल है यानी 1 साल कम, वो निकल जाते हैं। अगर वो निकलते हैं तो भी औसत बढ़ेगा, क्योंकि कम उम्र वाले जा रहे हैं, 20 से कम है इनकी उम्र, तो एक एक साल सभी का यानी 12 साल, तो ये भी इंक्रीमेंट ही होगा टोटल में जब ये चले जाएंगे, ठीक है, ये भी इंक्रीमेंट ही होगा। अब वो क्या बोलता है, ये टोटल इंक्रीमेंट हो गया कितना, 54 और 12 66। अब जो क्लास का औसत है वो 2 साल बढ़ जाता है, यानी 33 बच्चे रहेंगे, ठीक है, 33 बच्चे रहेंगे, 33 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 33 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, देखो क्या कह रहा है, 27 नए बच्चे 22 साल वाले शामिल होते हैं, तो ये एवरेज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे 2 साल और 2 × 27, ये टोटल में बदलाव आएगा। जब 19 साल वाले बच्चे जिनकी उम्र 1 साल कम है वो चले जाएंगे, कम वाला चला जाएगा तो औसत बढ़ जाता है, तो इसलिए प्लस का साइन आया है, और 1-1 साल इंटू 12 यानी 12 टोटल में बढ़ेगा, तो 66 बढ़ेगा टोटल, औसत में बढ़ रहा है कितना 2, हमने पढ़ा था ना टोटल बटा इंक्रीमेंट जो औसत में बढ़ रहा है, तो वो नंबर के बराबर आ जाएगा, 33 मेरा आंसर हो जाएगा, 33 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, मैं एक बार उस क्वेश्चन का डाटा चेक करा रहा हूं। एक दुकानदार के पास एक गिफ्ट पैकेट है फ्रूट का, जिसके अंदर एप्पल और मैंगो है, पैकेट के अंदर 12 किलोग्राम फ्रूट है, 100 रुपए की कीमत के हिसाब से 1200 रुपए हो गए, चलो 1200 रुपए की चीज हो गई, 8 किलोग्राम एप्पल है 90 की कीमत के हिसाब से यानी 720 रुपए के एप्पल हो गए, बचे 480 रुपए, अब 4 किलो आम है तो 120 रुपए रेट आ जाएगा, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, 120 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो दिखने में बड़ा है क्वेश्चन, वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 2 बच्चों का औसत जो है 12 साल है, पिताजी माताजी और 2 बच्चों का औसत 30 साल है। अब ध्यान से देखिएगा, फादर मदर के साथ 30 साल है, यानी फादर मदर के पास अपनी 30-30 तो होंगी, यानी 60 प्लस हर एक बच्चे के 18-18 वर्ष हो होंगे, क्योंकि दोनों के 18-18 वर्ष बढ़ा दिए, यानी 36, यानी 96 साल हो गया किसकी उम्र, फादर प्लस मदर की, और फादर माइनस मदर नजर आ रहा है कितना, 4 साल। आपको फादर की उम्र निकालनी है, आगे वाला निकालना होता है तो जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, 50 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाए, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप यहीं पर ही देखो, ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना बिना पेन के लिखना ज्यादा करना ज्यादा बढ़िया है। आप देखो फादर मदर के पास 30-30 होगा यानी 60 होगा,
अठारह अठारह होगा इन दोनों का, यानी छियानवे। छियानवे टोटल हो गया, अंतर आ गया चार, और पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, छियानवे प्लस चार बटा दो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक क्वेश्चन जो बचा था वो वेटेड एवरेज वाला, ये देख लेते हैं। वेटेड एवरेज, ठीक है, तो वेटेड एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था तो हमने क्या करा, इसको इससे गुणा कर दिया, नौ चौक छत्तीस प्लस आठ तीय चौबीस प्लस छह तीय अठारह प्लस सात चौक अट्ठाईस। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, नीचे वेट्स का टोटल कर दिया, चार चार आठ, तीन ग्यारह, तीन चौदह, ये कितना आ गया, साठ और छियालीस, साठ और छियालीस यानी छियानवे, एक सौ छ, साठ और छियालीस यानी एक सौ छ बटा चौदह, दो से काटेंगे सात आएगा, दो से काटेंगे तिरपन आएगा, सात सत्ते उनचास, बचा चार बटा सात, चार बटा सात होता है कितना, चौदह चौक छप्पन, सात पॉइंट पांच छ पांच सात के करीब आंसर आएगा। ठीक है, सात दशमलव पांच सात यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो भैया इसको इससे गुणा कर दो, मैंने क्वेश्चन को छोड़ समझा था, ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, 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 नीचे वेट का टोटल कर दो, तो यहां पर आपका नंबर निकल कर आ जाएंगे कि भाई ये जो नंबर उसने नौ आठ छह सात पाए है ना, तो औसतन अंक आपके कितने आ जाएंगे, सात दशमलव पांच सात आ जाएंगे अगर हम उसके वजन के हिसाब से चलें। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है, और इसी के साथ ही हमारा एवरेज खत्म हो जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखिए आपके एग्जाम में। ठीक है, अब हमारा केवल एक टॉपिक बचता है, वो है मेंसुरेशन। जल्दी हम उसकी भी क्लास आपके लिए डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है काफी सारे, इसमें समय लगेगा, थोड़ा हफ्ते भर दस दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि क्लास बनाने में इसमें समय लगेगा, काफी सारे क्वेश्चन है, 2D है, 3D है, सभी प्रकार के हैं। ठीक है, एवरेज खत्म हो गया है, और कोई चैप्टर हमारा नहीं बचा है। क्लास अगर पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक करना, सभी लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और सभी लोगों से ये कहूँगा, जो भी बच्चे वर्दी बैच पढ़े हैं वो अपना कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि कैसी लगी वर्दी बैच की पूरी क्लास। वर्दी बैच हमने इस तरीके से रखा है देखिए कि उसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, और वर्दी बेस्ट से बाहर आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि जीडी 2023 के सबसे दमदार कंटेंट आया है, जो वही हमने आपको कराया है। ठीक है, अगर ये दमदार वाला कर लिया तो आसान वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।